इस आधुनिक विज्ञान के युग में ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ज्योतिषी विज्ञापन दिया करते हैं। अपने विज्ञापन में ज्योतिषी बताते हैं कि आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या, नौकरी, शादी, आर्थिक, दाम्पत्य या संतान या कलह या पड़ोसी से दुश्मनी या पारिवारिक या रिश्तेदार में खटपट, जिस तरह की कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। आप हमारे विज्ञापन में दिए गए नंबर पे संपर्क करिए और अमुक तिथि को अमुक जगह हमसे आइए, हमारे चैम्बर पे आइए। हम गारंटी देते हैं कि आपके किसी भी समस्या, दाम्पत्य, शादी, व्यापार, नौकरी या कलह, किसी भी समस्या का हम 100% गारंटी के साथ समाधान कर देंगे। और इसके बदले में हम आपसे ज़्यादा रकम नहीं लेंगे। रकम तभी लेंगे जब आपके समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। इस तरह के ढेरों विज्ञापन आज भी हमारे टीवी चैनल, अखबारों में, मैगजीन में या सोशल मीडिया में ज्योतिषीय दिया करते हैं। इस तरह के विज्ञापन देखकर जो लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं, हथेली, मस्तक, किस्मत आदि पर विश्वास करते हैं, वे ज्योतिष के पास चले जाते हैं। और जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको ज्योतिषी आपके हथेली, मस्तक, जन्मकुंडली आदि देखकर आपके समस्या, यानी दाम्पत्य समस्या, संतान सुख समस्या, नौकरी, शादी आदि किसी भी जो समस्या आप बताते हैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है वो ज्योतिषी। इतना ही नहीं, आप अगर बताएं कि मेरे जीवन में आर्थिक संकट है तो वो ज्योतिषी आपको सिर्फ आर्थिक संकट की बात ही नहीं और भी कुछ बताएगा कि आपके जीवन में आर्थिक संकट के साथ ही दाम्पत्य संकट भी है, आपके रिश्तेदार के साथ भी दुश्मनी है, आपके पड़ोसी के साथ भी मन मुटाव है। यानी आप जब किसी ज्योतिषी के पास एक समस्या लेके पहुँचेंगे तो वो ज्योतिषी आपके एक समस्या को बढ़ा चढ़ाकर 4 समस्याएं में बदल देगी। इस तरह से वो ज्योतिषी विश्वास जताना चाहता है कि वो ज्योतिषी आपके जीवन की हर समस्या के बारे में जानता है। आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है ज्योतिषी को पता है, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के द्वारा। इसके बाद ज्योतिषी आपकी हर एक समस्या का उपाय बताता है। इसके अलावा ज्योतिषी ये भी बताता है कि आपके घर में जो भी कठिन से कठिन समस्या है उसे दूर करने के लिए कोई बड़ा सा यज्ञ करिए। यज्ञ करने से आपके घर में जो अशुभ शक्तियाँ हैं वह दूर हो जाएगी और हर तरह की समस्या समाधान हो जाएगा। यानी आपके जीवन में एक समस्या लेके जब आप ज्योतिषी के पास पहुँचे तो ज्योतिषी उसे 4 समस्याएं बताकर ठगने का हर संभव उपाय निकाल लिया और आप ज्योतिषी को बातों में आकर ठगी का शिकार बनते गए। कुल मिलाकर आप जब किसी ज्योतिषी के पास पहुँचते हैं एक समस्या लेकर, वो ज्योतिषी एक के बजाय 4 समस्याएं की बात आपको बताता है और आपका विश्वास जीत कर आपको ठगने का हर संभव उपाय, रास्ता निकाल लेता है। क्योंकि ज्योतिषी का एकमात्र काम है आपके किसी भी समस्या का समाधान करने के नाम पे ठगना। मतलब ज्योतिषी ने ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो ठगी का दुकान खोल कर रखा हुआ है और उस दुकान में अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पहुंचता है तो उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करना तो दूर, उसकी समस्या और बढ़ा देता है ये ज्योतिषी। सबसे पहले तो
आप जब किसी ज्योतिषी के पास एक समस्या लेके पहुंचते हैं तो वो ज्योतिषी आपको एक के बजाय चार समस्या की बातें बताकर आपको मानसिक रूप से तनावग्रस्त कर देता है। इसके बाद वो ज्योतिषी आपके जीवन की चार समस्या का समाधान करने के नाम पे मोटी रकम वसूलता है। इससे आपको आर्थिक तंगी हो सकती है, आपकी मेहनत की कमाई पानी में चला जाएगा अगर आप ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। यानी जब आप ज्योतिषी के पास पहुंचे हैं तो वो ज्योतिषी आपके जीवन की समस्या का समाधान करने के नाम पे मोटी रकम वसूल लेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से ज्योतिष के पास पहुंचे थे, लेकिन उल्टा आप आर्थिक तंगी में पड़ जाएंगे। आपकी मेहनत की कमाई वो ज्योतिषी दिन दहाड़े लूट लेगा। इतना ही नहीं, अगर आप घर में यज्ञ आदि करवाते हैं इसके लिए आपको और खर्चा होगा। अगर आप ज्योतिषी की बातों में आके घर में यज्ञ आदि करवाते हैं तो सबसे पहले आपका समय बर्बाद होगा। इसके साथ ही अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एक दिन या दो दिन ज्योतिष के नाम पे बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही आपने जो पैसा बचा कर रखा है वो पैसा वो ठगबाज ज्योतिषी यज्ञ आदि करवाने के नाम पे ठग कर ले जाएगा। कुल मिलाकर आपके जीवन में एक समस्या थी और आप जब ज्योतिषी के पास पहुंचे तो एक समस्या कई समस्याएं में बदल गई। आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, हो सके आप शारीरिक समस्या में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको लगा होगा कि ताबीज, कवच, ग्रह रत्न जो ज्योतिषी ने आपके जीवन के समस्या का समाधान करने के लिए दिया है वह आपके शरीर में धारण करने के बाद, माला पहनने के बाद, ग्रह रत्न पहनने के बाद आपके जीवन का समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अंगूठी, ताबीज, कवच, ग्रह रत्न से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। पत्थर, ताबीज, कवच किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। समस्या का समाधान तो दूर, ज्योतिषी आपको एक रुपए आमदनी करने का उपाय तक नहीं बता सकता है। उपाय वो ज्योतिषी खुद अपने लिए करता है।